नमस्कार आपण देखुछते खबर फटाफट। राज्य सरकार को चासी डर, भुवनेश्वर समावेश पूर्व चासी को अटकला पुलिस। विभिन्न स्थानों चासी मैंने आसुवा बेले पुलिस अटकला, भुवनेश्वर शताधिक चासी को गिरफ्त कर। रेल स्टेशन आगे विक्षोभ कर नवनिर्माण कृषक संगठन। कटक रेलवे कल्याण मंडप में राति तमाम चासी को अटक रखिता पुलिस। हड़बिल पुरी ट्रेन में आसुवा बेले जखपुर से पुलिस जोर जबरदस्त ट्रेन ओह्ल अभोग होता। यार प्रतिवाद कटक रेल धारण में बस आंदोलन करते चाषी पर पुलिस समस्त चाषी को अटक रखी सेपटे खोर्धा पितापल्ली छक चाषी को अटक रखी पुलिस। चाषी को गिरफ्त कर पुलिस बाराक रखा सप्तम रिजर्व बाटालियन में चाषी को अटक रखी पुलिस। बाराक भी आंदोलनकारी चाषी समावेश कर पुलिस। चाषी मुहांमुही भुवनेश्वर आयोजित चाषी समावेश में जोगदेव आसुवा चाषी पुलिस धस्ताधस्ती। कटक जिला नरसिंहपुर अंचल आसुवा चाषी को बड़म्बा पुलिस अटकई फल चाषी पुलिस धस्ताधस्ती। नवनिर्माण कृषक संगठन शताधिक चाषी 65 नंबर राज्य राजपथ बड़म्बा थाना सम्मुखें रास्ता अवरोध कर गाड़ी चलाचल संपूर्ण ठप हो। कलाहांडी भवानीपाटणा होता कंग्रेस जनसभा में बर्षिले राहुल उभय केन्द्र और राज्य सरकार को करिछन्ति टार्गेट। ओडिया रे भाषण आरंभ करी मु आज राजनेता भावे नुहे परिवार सदस्य भावे आसेछि। यासो नवीन सरकार और मोदी सरकार आपण को जमी छड़ाई नेबाकु चाहन्छन्ति बोली कहिथिले राहुल गांधी। आदिवासी को जल जंगल और जमीर सुरक्षा केवल कांग्रेस करि पारिबो बोली कहिथिले। सेपरि दानमाझी कथा उठाइछन्ति। दानमाझी खबर अंतर्जातीय खबर हैला किंतु मुख्यमंत्री पद टिए कहिलेनि कि क्षमा भी मांगिलेनि। सेपरि राज्य में रोजगार मिल पार नहीं केवल जमी छड़ाई निशार आदिवासी और गरीबों शिक्षा मिलवा उचित बोली कहते कांग्रेस अध्यक्ष। से प्रति गरीबों आकाउंट में सर्वनिम्न आमदानी टंका देवाक पुणे दोहराई। आपंक नवीन चिटफंड मोदी राफेल आपंपी स्वतंत्र ध्यान जरूरी कहते राहुल। सेपरि चाषी कथा उठाई कहते कांग्रेस सरकार को आसिले धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य निश्चय वृद्धि पा। भवानीपाटणा समावेश परे राहुल राउरकेला जिबे। राहुल विमानबंदर निकटस्थ पड़िया राउरकेला बासिंदा को संबोधित करेंगे। समावेश में प्राय 1.5 लाख लोक जोगदे कार्यक्रम रही। राहुल पीसी सभापति निरंजन पटनायक राज्य जातीय स्तर में बहु छामुआ नेता मंच में उपस्थित रहेंगे। 15 दिन भितर यह हो राहुल द्वितीय ओडिशा गस्त। द्वितीय ब्राह्मणी सेतु निर्माण हो कि आईजीएच को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करिबा राउरकेलावासी पाखे रही अनेक प्रसंग। पूर्व प्रधानमंत्री राउरकेला आसी अनेक प्रतिश्रुति देते जहां एवं सुधा पूरण होनी। एवं राहुल आभिमुख्य कौन ताकू समस्त अपेक्षा। ढेंकानाल कामाख्या नगर केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी तीनि जातीय राजपथ प्रकल्पर भूमिपूजन कार्यक्रम में जोग देते। 37 किलोमीटर दीर्घ यह राजपथ प्राय 2345 कोटी टंकारे निर्माण हो। रही तालचेर कामाख्या नगर अंशर 4 लेन कार्य, कामाख्या नगर डुबुरी अंशर 4 लेन कार्य, डुबुरी चंडीखोल अंशर 4 लेन कार्य। केन्द्रमंत्री गस्त को नजर रखी सारंगधर खेलपड़िया व्यापक आयोजन एथसह सुरक्षा कड़ाकड़ी। केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी समेत कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बहु वरिष्ठ बीजेपी नेता उपस्थित थे। बीजेडी में मिशिले जोगेश, बीजेडी में सामिल होती सुंदरगढ़ पूर्वतन विधायक जोगेश सिंह। बीजेडी कार्यालय में नवीन पटनायकों उपस्थित में दल में सामिल होती जोगेश निज समर्थकों सह बीजेडी में जोग देते। अवसर से कहते सुंदरगढ़ विकास मोर मुख्य लक्ष्य। सेपरि दलय सभापति नवीन पटनायक प्रतिक्रिया रखिंट आहते जोगेश को बीजेडी स्वागत करोगदान दल को मजबूत कर। सुवर्णपुर जिला सोनपुर परिषदर 10 नंबर वार्डर शताधिक महिला आज स्थायी जमी पट्टा दाबी रास्ता रोक करहर पट्टा भाड़ी मुख्य डाक्तखाना जाता रास्ता को अवरोध कर। दीर्घ 40 वर्ष हो घर कर रही आसुले भी स्थायी पट्टा पाइव वंचित स्थानीय लोके फलर विभिन्न सरकारी योजनार लाभ पाइव वंचित होग अनेक थर स्थानीय प्रशासन को अभियोग करते भी किसी सुफल पाई रास्ता रोक कर। रायगढ़ जिलार दुर्गम अंचल में बेआईन भाव चली देशी मद रंधा। क्योंकि राजपथ लगे देशी मद घाटी खोल जा तो आउ क्यों गां गां में चली मद बिक्री बाद पढ़ुना स्कूल और कलेज पढ़ुआ छात्र दैनन्दिन स्कूल कलेज जा परे मद भाटी को जाई मद पी घर को फेरुछंती बोली अभियोग होई। रायगढ़ सहर में चेकागुड़ा भाटी मद आनी विभिन्न आदिवासी ग्राम से बिक्री जहां विरोध करिछंती महिला मंडल। तुरंत देशी मद दोकानगुड़िक बंद करानगले आसंता 15 दिन भितर समस्त भाटी बंद हो महिला चेतावनी देते। एने एक स्मारकपत्र रायगढ़ जिलापा प्रदान कर घटनार अनुधान
बेआईन बंदरंधा को बंद कर रायगढ़ अतिरिक्त जिलापाल सूचना। नपड़ा खड़ियाल निकट में दुर्घटना, भारसाम्य हर ओलटिला गाड़ी। दुर्घटन में जनकर मृत्यु होता बेले 30 जन आहत होती। समस्त आहत को खड़ियाल मेडिकल भर्ती कर। आज सकाळ ट्रक रे खड़ियाल उपरीपटा गांव 31 दादन श्रमिक कंटा बाजे जाउथिले। इटा भाटी रे काम पई सेठारो हैदराबाद पठा जिबा थिला, तबे जुनानी गां निकटरे गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। एथरे जन वृद्धों मृत्यु होता बेले 30 जन आहत होती। ड्राइवर मद पी गाड़ी चलाउथिबारु दुर्घटना घटिथिबा श्रमिक अभियोग करिछन्ति। अनुगुल तुरंग बलंडा जाउथिबा एक ट्रक रो सीरीज दुर्घटना। दुर्घटन में 12 जन गुरुतर होती। यह सहित 4टी मोटरसाइकिल भांगी रुचि जाइछि। ट्रक चालक मद्यपान कर बेपरुआ गाड़ी चालना कर रास्ता सारा दुर्घटना घटाई चलता। रास्त मोटरसाइकेल आरोही पादचला लोक गाय गोरु को धक्का देता। खबर पाई अनुगुल पीसीआर भ्यान ट्रक पिछा कर बलंडा गुरुद्वार निकट में ट्रक अटकायक सफल होता। ट्रक चालक को अटक रखी पुलिस तदंत कर। जिले में तीन दिनिया 26वां राज्य जूनियर रेडक्रॉस प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित। बीएम बागुराय हाईस्कल आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय 137 छात्र छात्री और 18 जन स्काउट मास्टर गाइड कैप्टेन अंशग्रहण करते। गत 3 तारीख आरंभ हो छात्र छात्री मध्य विभिन्न शारीरिक परीक्षा होता। यह शिविर को परीक्षक भाव राज्य तालीम कमिशनर सुरजित सेन जोगद उभय लिखित मौखिक व्यवहारिक परीक्षा कराइले। भोटर सचेतनता उद्देश्य एक शांति शोभा स्काउट और गाइड मैंने सहर परिक्रमा कर भोटर को सचेतन करते। परलोक बीजेडी नेता तथा आजकल लोकसभा सांसद लड़ू किशोर स्वाई मंगलवार रात प्राय 11:45 भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल परलोक हो मृत्यु बेलू 81 वर्ष होता। लड़ू किशोर को बीजेडी सांसदों पक्ष श्रद्धांजलि दी जाए। पार्लियामेंट हाउस बीजेडी ऑफिस में दलय सांसद नीर प्रार्थना कर अमर आत्मार सद्गति कामना कर। लड़ू किशोर किडनी रोग में आक्रांत थे। सोमवार असुस्थ हो पड़ राति गोटाए डाक्तखाना भर्ती कर चिकित्साधीन अवस्था गतका राति परलोक विशिष्ट चलचित्र निर्माता और निर्देशक चक्रधर साहू परलोक। भुवनेश्वर एक हस्पिटाल देहांत हो नील मास्टराणी केवे तुमे नाह केवे मु ना तुमको पारोही तो खुली भले अनेक फिल्म मध्यम दर्शकों हृदय जिणीपारी चक्रधर। पुणे फिल्म इनिट्यूट्रु पास होगापर चक्रधर साहू अनेक धारावाहिक फिल्म संपादना करते वियोग ओडिशा फिल्म जगत में शोकर छाय खेली। चलचित्र जगतर अनेक लोक भुवनेश्वर स्थित घरे पहुंची श्रद्धांजलि जनई। भद्रक जिला प्रशासन आंचलिक परिवहन अधिकारी और संजीव हीरो पक्ष मिलित आनुकूल्य 30वां जातीय सड़क सुरक्षा सप्ताह सचेतनता कार्यक्रम आरंभ हो। संजीव हीरो पक्ष आयोजित सचेतनता रथ को जिलापाल ज्ञान दास आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करते। यह अवसर एक साधारण सभा अनुष्ठित होता। यह सचेतनता कार्यक्रम 10 फेब्रुआरी पर्यंत चलो। एक विराट बैक् शोभा सहर परिक्रमा करइक आरोही सचेतनतार बार्ता बांटे। शहीद जवान औरंगजेब हत्या मामलें नुआ मोड़। हत्या मामलें तीन जन सहकर्मी जवान को सेना निज हेफाजत को नहीं। समस्त अटक 44 राष्ट्रीय राइफल्स जवान। वर्तमान हत्या मामलें अटक जवान को पचराउचरा चली। गतवर्ष ईद समय घर को जाता जवान औरंगजेब को अपहरण पर हत्या कर सूचना अनुजाई अटक जवान मैंने मृतक औरंगजेब को समस्त सूचना आतंकवादी को देते फल आतंकवादी औरंगजेब को अपहरण कर सफल होते। रिपोर्ट अनुजाई अटक जवान हेले आबिद वानी तजमुल अहमद आदिल वानी एमु दुई जन जवान पुलवामार बासिंदा अन्य जड़े जवान कुलगामर। हत्या मामलें तदंत समय उपरोक्त जवान उपर संदेह होता पर सेना तरफ जवान को अटक रखे पचराउचरा चली। केरल साबरीमाला मंदिर में महिला प्रवेश नहीं सुप्रीमकोर्ट में सांधानिक शुणा आरंभ हो। 5 सदस्य विशिष्ट एक सांधानिक खंडपीठ यार शुणी कर। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अध्यक्षतार गठित सांधानिक खंडपीठ मामलार शुणी करपर्यंत कौन भूल कम होनी से जाए सुप्रीमकोर्ट मामलें दखल देवा उचित नुहे आवेदनकारी निज आवेदन मामला को नहीं सुप्रीमकोर्ट में 65 समीक्षा आवेदन करतीत अदालत अवमानना नहीं एक आवेदन हो। साबरीमाला मंदिर में 10-50 वर्ष वयस मध्य महिला माने प्रवेश करें पूर्व निर्देश होता किंतु पर सुप्रीमकोर्ट ताक प्रवेश करें निर्देश देते।
ସେପଟେ ଜେଏନ୍ୟୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନେଇ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାର ଏନେଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କହ୍ନୈୟା କୁମାର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମ୍ଭିଧାନର 124 ଏ ଧାରା ଲଗାଯାଇଛି। କେଜରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃୟାରୀ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେହିଦିନ ମାମଲାର ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଥିଲା 5.6। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କାଶ୍ମୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀନଗରଠାରୁ 118 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଭୂକମ୍ପ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଲିଗଡ଼ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୁଳି ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଚିବ ଗିରଫ। ପୂଜା ଶକୁନ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନୋଏଡାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ 8 ତାରିଖ ଦିନ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପମାନ କରିବା ମାମଲାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 11 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଇଡିର ସାମ୍ନା କରିବେ ଭଦ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିନଥିଲା। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ମାମଲାରେ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:00 ଏହି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ରବର୍ଟଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଅନୁମତି ଆଣିଥିବାରୁ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗିରଫ ଫେବୃୟାରୀ 16 ତାରିଖ ଯାଏ ଚଳିଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଇଡିର ଜାମନଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଇଡି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୁଏନାସ୍ଥିତ ଏରିଏନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରକେଟ୍ଠାରେ ଭାରତର ସଦ୍ୟତମ ଯୋଗାଯୋଗ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ GSAT-31କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ଫରାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କୋରୁସ୍ଥିତ ଏରିଏନ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାତି 2:31ରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। 42 ମିନିଟ୍ର ଏକ ତ୍ରୁଟିହୀନ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଏରିଏନ୍-5 ଯାନ GSAT-31କୁ କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା। ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନର ଇସ୍ରୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। 2019ରେ ଏହା ଇସ୍ରୋର ତୃତୀୟ ଅଭିଯାନ।